नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे साइंस सेक्शन के ऊपर जो वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलता है हर हफ्ते में एक बार, और ज़्यादातर ये संडे को मिलता है हमारे पेड ग्रुप्स में। सारा एक्सप्लेनेशन देंगे और आंसर जो सही वाला होगा वो बताएंगे। हालांकि आंसर की वाली फाइल आप लोगों को मिल चुकी है, तो अगर आप डायरेक्ट वीडियो पे आए हैं तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आंसर की से सारे आंसर्स मिला लीजिए और उसके बाद डिस्कशन ग्रुप में स्कोर अपना ज़रूर कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा कि पौधों का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींच लेता है। तो ये है स्टोमेटा, जो पत्ती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छिद्र होते हैं उन्हीं को कहा जाता है रंध्र। बी। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के पूछा है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो खींची जाती है प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, इनमें से कौन से ऑर्गन द्वारा ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ये पत्तियों द्वारा। डी। ज़्यादातर केसेस में जो पत्तियां हैं उन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट के अंदर, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कैक्टस यानी नागफनी का जो पौधा होता है उसमें स्टेम्स और ब्रांचेस, क्योंकि पत्तियां तो होती नहीं है तो वो एक्सेप्शन की अलग बात है। कैस्कटा यानी जो अमर बेल का पौधा होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो पैरासाइट का, ये ध्यान रखिएगा। परजीवी। बी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए कोई पौधे का तना है, पेड़ का बहुत बड़ा पेड़ है, अमर बेल का पौधा ऐसे रैप्ड अप होता है कॉइल के शेप में, लिपटा हुआ होता है उससे, कि भाई फोटोसिंथेसिस ये वाला पेड़ कर रहा है लेकिन उसके हिस्से का ग्लूकोस ये ले जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक ये लगता है। चौथे नंबर में है, ऐसा कौन सा ऐसा पौधा है जो इंसेक्ट यानी कीड़े मकौड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है, तो इसे कहते हैं पिचर प्लांट, कीट भक्षी पौधा। सी। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक ऐसा पत्ता आपने लिया जिसका हरा कलर लगभग जा चुका है और उस पत्ते को किसमें हमने डुबो दिया, आयोडीन के पतले घोल में, तो कौन सा कलर बना, नीले काले रंग का। ऐसे में हमें क्या पता चलता है कि लीफ के अंदर क्या है पत्ते के अंदर, तो ये किस चीज की टेस्टिंग होती है, ये स्टार्च की। ये सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें हमें प्रूव करना है कि पत्तियों में स्टार्च है। सिंपल। सी। उसके बाद अगला है हमारे पास, इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा पौधा है जिसके तने कौन सा ऐसा परपोषित प्रकार का पोषण शो करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा आंसर यहां से हो जाना है ए, बिकॉज मशरूम इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया होता कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसके तने फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस समय कैक्टस हो जाना है, नागफनी का पौधा। सात नंबर में अगर हम देखें, कौन सा ऐसा पौधा है जिसका हेटरोट्रॉफिक मोड है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करने जाएगा वो, ये हो जाएगा यहां से कैस्कटा यानी अमर बेल। अभी थोड़ी देर पहले इसकी वर्किंग बता दी थी। सी। आठ नंबर में इनमें से कौन सा है जो पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट भाई वही नहीं होगा जो फोटोसिंथेसिस अपने आप कर लेगा, ये होगा शैवाल यानी काई। सी। इसमें से कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, इसका मतलब प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट होगा, दूसरा लार्ज वैक्यूल, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। सी एंड डी, ऑप्शन बी डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, वो है घास, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। सी। इसमें से कोई एक ऑटोट्रॉफ है, कौन है ये, तो ये है शैवाल। बी। फोटोसिंथेसिस से सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदला जाता है, तो ऐसी एनर्जी जिसको खाने के बाद एनर्जी मिले, केमिकल एनर्जी। बी। बिकॉज फोटोसिंथेसिस से अंत में हमें ग्लूकोज मिलता है, इसको खाने के बाद केमिकल एनर्जी
जो भी खा लेता है उसे मिल जाती है। बी, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉफ का मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर ले जाए। यह है मिमोसा, छुई मुई का पौधा। इसकी पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं जैसे इसको छू लिया जाता है। इसमें से कौन सा है जो हेटरोट्रॉफ है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कतई ना कर पाए? इसमें चाहे मिमोसा देखिए, चाहे आम देखिए या मैंग्रोव, सभी के सभी फोटोसिंथेसिस वाले हैं, जबकि जो मशरूम है ये वो काम नहीं कर पाएगा। बी, 50 नंबर है कि सैप्रोफाइट यानी कि मृत जीवी, ये दो काम कर सकते हैं। या तो जो मृत चीजें हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और सीधे सीधे खा ले, या तो उन पे उग जाए। ऐसा काम कर सकता है यीस्ट और मशरूम, क्योंकि दोनों सड़ी हुई चीजों पे आधारित हैं। बी और सी, ऑप्शन भी बी। जो कीट बक्षी पौधे होते हैं ये कीटों को मार कर उन्हें खा लेते हैं, ताकि उन्हें क्या मिल जाए इनमें से? तो ग्लूकोज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ये फोटोसिंथेसिस करने में अपने आप ही सक्षम है। इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है और ये जमीन से नहीं ले पाते हैं, ये सीधे सीधे लोगों को मार कर, मतलब कीटों को, उनसे लेते हैं नाइट्रोजन। सी, सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवन, एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं साझेदारी में। कौन कौन से ऐसे हैं जो सहजीवन करते हैं? यह है राइजोबियम और पी प्लांट। राइजोबियम और पी, जो मटर का पौधा है, दोनों हमेशा एक साथ दिखाई पड़ेंगे, जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ, ऐसे आप समझ सकते हैं। और दूसरा है शैवाल और फंगस, दोनों हमेशा साथ साथ नजर आएंगे। ए एंड सी, ऑप्शन भी सी। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके बाद पौधों को कौन सा ऐसा मिनरल चाहिए होता है ताकि वो प्रोटीन बना पाए? तो ये चाहिए होता है उन्हें नाइट्रोजन। सी, ऐसे ट्यूब का नाम बताइए जो मिट्टी में से पौधों तक पानी और जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनको पहुंचाए। ये मिट्टी है, इसमें खनिज पदार्थ पानी है, कौन सा ऐसा ट्यूब है प्लांट के अंदर जो पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूशन करता है इनका? यह है जाइलम। ए, अगर पूछ लिया जाता कि फूड पार्टिकल को कौन भेजता है, तो ये हो जाएगा फ्लोयम। उसके बाद 20 नंबर है, इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं होती है या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर तीनों चाहिए, जबकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एक्सेप्ट फॉर डार्क रिएक्शन। एक्सेप्शन यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे। बी, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर सबसे सिंपलेस्ट भोजन यानी एंड प्रोडक्ट कौन सा बनता है? तो यह है ग्लूकोज, C6H12O6। सी, अच्छा स्टार्च कहाँ होता है? फ्रूट में। जो ग्लूकोज प्लांट खुद नहीं खा पाते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा हो जाता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें, पौधे का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो उसकी फूड फैक्ट्री कहलाता है? तो वही कहलाएगा जिसमें ज्यादातर केसेस में फोटोसिंथेसिस देखा जाएगा। ये है पत्तियां। कैक्टस के स्टेम और ब्रांचेस को छोड़ दें तो यहां पे ज्यादातर केसेस में पत्तियां। डी, कैक्टस की बात अभी चली रही थी कि अगला क्वेश्चन उसी से आ गया। कैक्टस यानी नागफनी के पौधे में भोजन कहाँ पे बनता है? तो ब्रांचेस और उसके बाद में तने में, क्योंकि पत्तियां होती नहीं है और जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, सनलाइट ही नहीं जाएगी, फोटोसिंथेसिस किधर से होगा? ए एंड डी, ऑप्शन भी डी। उसके बाद 24 नंबर है, कौन सी ऐसी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के बाद निकलती है? ये है ऑक्सीजन। सी, उसके बाद 25 नंबर में ये है कि कीट बक्षी पौधे जो हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन उनके पास होता है ताकि वो अपने शिकार को आसानी से फंसा सकें? ये है उनकी पत्तियां। जैसे शिकार अंदर बैठता है पत्तियों के, ये पत्तियां बंद हो जाती हैं और शिकार के भागने का कोई भी चांस नहीं बचता। सी, ये मिल्क, ये जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब से मिलता है। बी, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें भोजन करने से लेकर बॉडी में किस तरीके से भोजन यूटिलाइज होगा सेल्स को एनर्जी देने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। खाने से लेकर पचाने तक सारी प्रक्रियाएं इसी में शामिल हो जाती हैं।
पोषण सी, बाकी जो भी ऑप्शन लिखे हुए हैं सब उसके सबसेट हैं, उसी के भाग हैं न्यूट्रिशन के। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि फूलों से पराग नहीं सोखता है, उसको कोई मतलब नहीं है फूलों से पराग सोखने का, ये है छिपकली, बिकॉज ये कीटों को सीधे सीधे खा लेती है। सी, ऐसा जलीय जीव बताइए जो कि स्यूडोपोडिया यानी कि इसके आर्टिफिशियल पैर, वो पैर होते नहीं है लेकिन तब भी लगते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, कौन होता है ये? अमीबा, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, एक सेल वाला। इसमें से बताइए सलाइवा यानी मुंह के अंदर ही इनमें से किस चीज का पाचन हो जाता है, तो ये है स्टार्च का, अमाइलेस जो एंजाइम होता है उसके थ्रू ये होता है। बी, उसके अलावा इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर जो लाइनिंग है उसके अंदर की ग्रंथियां म्यूकस, HCL और दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस निकालती हैं, तो यह है पेट। बी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पर पाचन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है जहां तक भोजन का सवाल है उसकी, तो यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। बी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं लाखों की संख्या में उन्हें क्या कहा जाता है? विली। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है अगर हम अडल्ट की बात करें उसमें? 7.5 meters। सी, इसमें से बताइए जो अमीनो एसिड मौजूद होते हैं हमारे पचे हुए भोजन में किस चीज का निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। बी, हमारे भोजन में जो फैट मौजूद होता है वसा, वो कहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे आखिर में वही डाइजेस्ट होता है। सी, पचे हुए भोजन में से मतलब जो भोजन पच नहीं सका है उसमें से पानी को कौन सा ऑर्गन अलग करता है? ये पूरा भोजन है, इतना हिस्सा पच गया, इतना बच गया, ये जो बच गया इसमें से पानी कौन अलग कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। डी, बड़ी आंत। अमीनो एसिड इनमें से कौन से भोजन को पचाने के बाद बनता है? ये भोजन मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है? प्रोटीन। डी, क्योंकि अमीनो एसिड और प्रोटीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिना एक के दूसरा नहीं हो सकता है। मूंगफली का तेल अगर हम पचा रहे हैं खाने के बाद तो उसमें से कौन कौन सी चीजें बाहर निकलेंगी? तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, बी एंड डी, ऑप्शन डी। 40 number जो सवाल है वो एक एक्टिविटी पे आधारित है जिसके अंदर हमने ये एक ड्रॉपर लिया, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन है और ये टेस्ट ट्यूब से कुछ बूंदे हम डालेंगे। अब टेस्ट ट्यूब में क्या है? कुचले हुए चावल हैं, पानी है और सलाइवा है, जो हमारे मुंह के अंदर पानी होता है वो। अब 15 to 20 minutes हमने वेट किया इसको आग के ऊपर चढ़ा करके, और उसके बाद में हमने ये बूंदें डाल दी आयोडीन सॉल्यूशन की। अब ये जो कलर होगा यहाँ पे कौन सा होगा? देखिए, कोई भी कलर नहीं होगा, इट विल बी कलरलेस, बिकॉज जो ब्लू ब्लैक कलर है वो स्टार्च की प्रेजेंस बताता है हमको। भाई अगर यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर होता तो इसका मतलब स्टार्च होता इसमें, लेकिन चूंकि आप सलाइवा ऐड कर चुके हो और वो स्टार्च को पूरी तरीके से पचा देता है तो स्टार्च वहां से गायब हो चुका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। बस यही तो हमें प्रूव करना था कि सलाइवा की मदद से स्टार्च पच सकता है, इसीलिए ये एक्टिविटी की गई। यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीस, कोई कलर होगा नहीं। उसके अलावा भोजन को काटने के लिए, मतलब सबसे पहले भोजन अंदर लिया उसके बाद उसको काट दिया, तो किस चीज की हेल्प हमको लगेगी? कैनाइन नामक दांत की। बी, इनमें से कौन सा ऐसा दांत है जिसको हम भोजन को काटने के लिए, पहली बार भोजन जस्ट अंदर लिया उसको तोड़ दिया, उसके लिए हमने कैनाइन यूज किया
और यहाँ पर उसके बाद भोजन को जो पीसने की प्रक्रिया है वो पूरी करेगा इनसीजर डी। फिर है कि 43 नंबर में 32 कुल दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। अगर हम इस 16 की बात करें तो इसमें कौन कौन से कितने कितने दांत होते हैं, तब आप इसमें एक डेटा याद करिए, 4, 2, 4, 6, 42, 46 आपने याद कर लिया, 4, 2, 4, 6 डी मतलब सी। अब 4, 2, 4, 6 में भी क्या याद करना है, ICPM, 4, 2, 4, 6 ICPM, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर, ऐसे करके हमने याद कर लिया सी। दांत का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत नसें होती हैं और कुछ रक्त वाहिकाएं होती हैं जिसमें ब्लड पास हो रहा होता है, इसे कहा जाता है पल्प कैविटी बी। चीनी से बने हुए ज्यादातर आइटम के सेवन से, मतलब ज्यादा समय तक और ज्यादा क्वांटिटी में, कौन सी ऐसी बीमारी है जो इसका कारण बनती है, ये है टूथ डिके, दांत सड़ जाते हैं इससे। 46 नंबर अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एक गाय पचा सकती है लेकिन हम लोग नहीं, तो यह है सेल्यूलोज बी। उसके बाद 47 नंबर है, जो अमीबा है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वो भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है, आसपास वो अपने स्यूडोपोडिया को फैला देता है और भोजन के पार्टिकल को अंदर लेकर इसे बंद कर देता है, कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया सी। एक ऐसा जीव बताइए जिसका कोई माउथ नहीं है और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये है अमीबा, बिकॉज स्यूडोपोडिया से फूड का पार्टिकल अंदर चला गया, बस काम खत्म, और जो अवशिष्ट पदार्थ है उनके बाहर निकलने का भी अपना प्रोसेस होता है। ऐसा क्वेश्चन हम मोस्ट प्रोबेबली अगले टेस्ट में लेंगे। अमीबा के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, क्या इसका फिक्स शेप होता है, नहीं, इसलिए इट हैज़ नो फिक्स शेप, ये सही बात है, जो सही है वो आंसर नहीं ले सकते, इट हैज़ नो फिक्स्ड माउथ, माउथ होता ही नहीं है, यही एग्जैक्टली बात लिखी हुई है, ये भी सही है, इट हैज़ फॉल्स फीट जिसे हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, सही बात है, इट हैज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये गलत बात है डी। फिर है इसके बाद, इनमें से कौन है जो सेल्यूलोज को पचा सकता है, तो जितने भी घास खाने वाले जीव होते हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी, ये सब पचा ले जाते हैं, जैसे हमारे केस में काऊ ए। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि ऊन नहीं देता है हमें, याक ऊंट और बकरियां ये सब दे सकती हैं, जबकि जो ऊनी कुत्ता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो देगा कहाँ से डी। उसके बाद देखें 52 नंबर, तो जो सिल्क वॉर्म है, ऐसा कीड़ा जो हमें सिल्क बना के देता है इनको पालने के बाद और पूरी प्रोसेसिंग के बाद, ये कैटरपिलर लार्वा दोनों ही हो सकता है सी। कोई भेड़ है आपके पास, उसमें से आप ऊन निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसा आप कौन से मौसम में कर सकते हैं, गर्मी की शुरुआत में बी, बिकॉज अगर ठंडी में करेंगे तो ठंड के मारे भेड़ हो सकता है जीवित बचे ही ना बी। फिर है कि रामपुर बुशरी और बखरवाल कौन सी वैरायटी होती हैं, तो ये भेड़ के एक प्रकार हैं सी। उसके बाद है पट्टानवाड़ी जो कि भेड़ की एक भारतीय नस्ल है, तो इसमें से आगे ये भी सवाल बन सकता है कि किस चीज़ की नस्ल है, तो भेड़ की, कौन से देश की है, तो इंडिया की, ये आपको याद रखना है। इंडिया में भी कौन से राज्य में ये पाई जाती है, गुजरात ए। द कट ऑफ वूल कोट, मतलब जैसे ही आपने भेड़ से ऊन को नोच लिया तो ऊन को नोचते टाइम स्किन भी उनकी बाहर आ जाती है, तो स्किन सहित जो इनका कच्चा ऊन होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे मूड या फ्लीस कहा जाता है बी। सॉल्टर्स डिजीज, ये किस प्रकार की डिजीज है, कैसे ये होती है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से, और ये उन लोगों को होती है जो भेड़ से ऊन खींच रहे होते हैं ए। 58 नंबर बात करें हम, तो जो फ्लीस है यानी ऊन प्लस स्किन, इसको पानी और साबुन से धोया जाता है ताकि जो भी गंदा संदा पार्ट है स्किन का वो निकल आए, इसे कहा जाता है स्काउरिंग सी, दस्तकारी।
फिर आ जाते हैं कि कौन से ऐसे फाइबर हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन के लिए हमको शरीर की आवश्यकता होगी, किसके? जानवर के। और शरीर से डायरेक्टली ऊन निकलता है और सिल्क भी, वो कीड़े से। डी, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इसका वन वर्ड बताइए जरा। सेरीकल्चर। बी, एग्रीकल्चर खेती, पिसीकल्चर मछली पालन, और सिल्वीकल्चर मतलब वन विज्ञान। बी यहां से करेक्ट होगा। सिल्क कौन बनाता है इसमें से? तो लार्वा या फिर कैटरपिलर। तो लार्वा हमको गिवन है बी में, तो यहां से करेक्ट हो गया बी। जो सिल्क है उसके कल्टीवेशन के दौरान हमें चाहिए होते हैं रेशम के कीड़े। रेशम के कीड़ों को आकर्षित करने के लिए इनमें से कौन सा पेड़ लगाना पड़ता है? शहतूत का पेड़। बी, मुलबेरी ट्रीज। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकून, कुकून से सिल्क फाइबर को निकालने की प्रक्रिया होती है अटेरना, रीलिंग। इसके अंतर्गत हम पूरी कॉइल बना लेते हैं, जैसे मोर्टिन में बनी होती है वैसे ही। ए, इसमें से सिल्क की सबसे कॉमन वैरायटी कौन सी है? मुलबेरी। सी, फिर है कि ये वाला जो कपड़ा है अपने पास, इसको जब आप जलाइएगा ना तो वैसी महक आएगी जैसे बाल को जलाने पे आती है। क्या हो सकता है ये मोस्ट प्रोबेबली? तो भाई इसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाल में जो गंध आती है वो प्रोटीन को जलाने पर आती है, बिकॉज बाल में प्रोटीन होता है। अब इसमें से प्रोटीन कहाँ पे मिलेगा ये बताइए? ऊन में, नेचुरल वूल। डी। उसके बाद आ जाते हैं, एक आपके पास लोहे की बॉल है 40 डिग्री उसका टेम्परेचर है, आपने उसको ऐसे मग्घे में डाल दिया जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर है, हीट का फ्लो बताइए डायरेक्शन सहित, कहाँ से कहाँ जाएगी? तो कहीं भी नहीं जाएगी, बिकॉज इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है। जब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब नेट हीट गेंड इज इक्वल टू नेट हीट लॉस्ट, जितनी खोई उतनी पाली। तो विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और वाटर टू आयरन बॉल, ना इधर से उधर जाएगी ना उधर से इधर। बी। फिर आ जाते हैं 67 पर, स्टेनलेस स्टील के कुछ फ्राइंग पैन ऐसे होते हैं, मतलब जिसमें चाय बनती है आप समझ सकते हैं, उसके जो बेस होता है जहाँ पे आग लगाई जाती है वो कॉपर का बना होता है। ऐसा क्यों? ताकि हमको ये पता है कि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है स्टील के मुकाबले, तो वो आग को ज़्यादा अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करेगा और जो भी खाना बन रहा है उस पे ट्रांसफ़र करेगा। इट इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। सी। फिर आ जाते हैं, एक और एक्टिविटी है, ये आइसक्रीम का पूरा बार है, इस पे हमने लकड़ी की चम्मच डाली। अब लकड़ी की चम्मच का ये पार्ट जो आइसक्रीम में डूबा हुआ है, इसका क्या होगा? तो ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये अपनी हीट लूज थोड़ी करेगा ठंडी के प्रेजेंस में, आपने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया होगा। इट डज नॉट बिकम कोल्ड। डी। टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस क्या होती है? थर्मामीटर। सी। ऑर्डिनरी थर्मामीटर में हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, वो ऊपर जाता है चाहे नीचे आता है, इस हिसाब से हम टेम्परेचर की रीडिंग ले लेते हैं। ये लिक्विड क्या हो सकता है? तो ये मरकरी होगा। डी। क्लिनिकल थर्मामीटर के फीचर्स बताइए। तो शॉर्ट टेम्परेचर रेंज, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज होती नहीं है। कंस्ट्रिक्शन इन ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब से भाई चिपकता नहीं है मरकरी अंदर, वो फिसलता है बहुत अच्छे से। नो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि फिसलेगा आराम से लिक्विड। ए एंड डी, ऑप्शन सी। 37 डिग्री ये माना जाता है किसी हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर, कौन से स्केल में? 37 डिग्री सेल्सियस। डी। आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर चलते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, उसमें कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं? तो डिजिटल इसीलिए तो बनाया हमने ताकि लिक्विड यूज़ करना ही ना पड़े, तो नो लिक्विड इज़ यूज्ड। डी। फिर है 74 नंबर कि हीट ट्रांसफ़र का इनमें से कौन सा मैकेनिज़म नहीं है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है, लेकिन कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन का मतलब होता है
या तो सम्मेलन कह लीजिए या फिर कोई ऐसा नियम जो बहुत टाइम से फॉलो हो रहा है। सी 75 में बताइए कौन सा इसमें इंसुलेटर नहीं है, तो पक्का कंडक्टर होगा। यह है ब्रास, ये एक अलॉय है जो कॉपर और जिंक से बना होता है, पीतल। सी इसमें 76 में बात करें हम अगर ऐसा लिक्विड जो कि बढ़िया कंडक्टर है, ये है मरकरी, हीट का, तभी तो उसे थर्मामीटर में यूज करते हैं और हीट की प्रेजेंस में ऊपर नीचे भागता है। सी 77 अगर हम देखें तो जो ऊनी कपड़े हैं वो हमको गर्म बनाए रखते हैं ठंडियों में भी, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकलने ही नहीं पाती, बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये अगर गर्मी हमारे शरीर से बाहर जाना चाहती है तो हवा भरी होती है उसमें, बाहर नहीं जाने देती। सी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा वूल इंसुलेटर है, वो कंडक्टर है नहीं। ए एंड सी यानी कि डी। 78 आ जाते हैं, आपके पास कई सारे ऑब्जेक्ट है रूम के अंदर, स्टील है, माइका है, लकड़ी है और ब्रास है, एक रूम में पड़े हुए हैं ठंड के मौसम में। बताइए कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि सुबह आपको गर्म ही लगेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो कि हीट को कंडक्ट ही ना करें क्योंकि एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो जो बढ़िया कंडक्टर होगा ना वो अपने अंदर की गर्मी बाहर फेंक देगा और खुद ठंडा पड़ जाएगा, जैसे कि स्टील, जैसे कि ब्रास। तो बच गया कौन? माइका और लकड़ी, ये दोनों ऐसा नहीं करेंगे, माइका एंड वुड। डी कन्वेक्शन यानी संवहन, ये एक हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म है जो कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, तो सॉलिड छोड़ के सब में, सॉलिड वाले ऑप्शन हटा दिया, गैसेस और लिक्विड। सी वैक्यूम में नहीं होगा, बिकॉज वैक्यूम में मीडियम होता नहीं है और कन्वेक्शन के लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। सी गैसेस एंड लिक्विड। द कन्वेक्शन करंट इन एयर ट्रांसफर हीट, कन्वेक्शन के दौरान करंट रिलीज होता है, उस करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। बी इनमें से कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से सी ब्रीज कोस्टल एरिया से यानी समुद्र के जो तट होते हैं वहां पे सी ब्रीज निकलती है, ये ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। कभी समुद्र के आसपास अगर आप गए हो दिन में तो बहुत बढ़िया फील होता है, लेकिन रात के समय जाइएगा ना तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, एकदम गर्मा गर्म। सी ब्रीज की वजह से ठंडा लगता है, लैंड ब्रीज की वजह से गर्म। तो सी ब्रीज की कंडीशन क्या है कि दिन का समय होना चाहिए सी, और उस समय समुद्र ऑब्वियस सी बात है ठंडा होना चाहिए और जमीन जो है वो गर्म। तो बी एंड सी यानी कि सी। उसके बाद 82 है, ऐसे गर्म ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं जो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर लें? ये कोई भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। डी कोई लिमिट नहीं है। ऐसी रे कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफर कर ले? ये है इंफ्रारेड। डी 84 नंबर है, सूर्य से जो गर्मी नीचे आती है ना कौन से प्रोसेस की वजह से आती है? रेडिएशन। बिकॉज अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस करोड़ों में है और अर्थ यानी कि सन के आसपास मीन्स यहाँ पे वैक्यूम होता है और वैक्यूम में हीट ट्रांसफर सिर्फ रेडिएशन की वजह से हो सकती है। बी एक चीज और ध्यान रखिए, सन से अर्थ लाइट आती है 8 मिनट समथिंग सेकेंड में। 85 नंबर है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो वैक्यूम और एयर दोनों में मतलब मीडियम है तो भी नहीं है तो भी हीट ट्रांसफर कर ले? रेडिएशन। डी इसमें से कौन से ऐसे टाइप की दवा है जो इनडाइजेशन यानी अपच के कारण जो पेट में समस्या आ जाती है ज़्यादा खा लेने के कारण उससे निजात दिला दे? तो बेसिक सॉल्यूशन का सेवन कर लेना चाहिए अगर वो खाने लायक है तो, ये है एंटासिड। सी मार्केट में डाइजीन का जो पिंक कलर का सॉल्यूशन आता है वो इसका एग्जाम्पल है एंटासिड का, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। सी 87 नंबर में अगर हम बात करें इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है, यह है कार्बोनिक एसिड।
ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं तो पक्का कार्बनिक एसिड ऑर्गेनिक है, नहीं है। H2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये एक मिनरल एसिड है, इसमें कार्बोनिक कंपाउंड हमें नहीं चाहिए। ये मिनरल एसिड है जो कि वीक इन नेचर होता है और कोल्ड ड्रिंक में ये पाया जाता है कार्बोनिक। बाकी एसिटिक, फॉर्मिक, सिट्रिक सब के सब कार्बोनिक हैं, जो नेचर के अंदर फल फ्रूट ये सब चीज़ों में पाए जा सकते हैं। 88 नंबर है, अपच के कारण जो हमें समस्या हो जाती है पेट में, इनमें से कौन सी चीज़ लेने के बाद सही हो जाती है, तो छांट लीजिए। बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि है बेकिंग सोडा NaHCO3, ऑप्शन ए। ठीक, बाकी एसिडिक, देखिए पेट में एसिडिटी की समस्या है और ज़्यादा एसिड ले लेंगे तो समस्या और विकराल हो जाएगी, तो सारे एसिड यहाँ से आउट कर दीजिए। सिरके में होता है एसिटिक एसिड, गया। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड, ये भी गया। कॉस्टिक सोडा भले ही बेसिक है लेकिन वो खाने लायक है नहीं। 89 नंबर बात करें हम, सिरके और दही में क्या समानता है, भाई दोनों खट्टे होते हैं, हैव सोल टेस्ट, डी। इनमें से एक अपच की एक दवा है, पक्का यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर NaHCO3 बेकिंग सोडा होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको बी में दिख रहा है, इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा एसिड बताइए जो हमारे पेट में नेचुरली होता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HClC। इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, खट्टे दूध में, डी। उसके बाद 93 नंबर है, इनमें से कौन सा ऐसा नमक है जो एसिडिक सॉल्यूशन दे देगा आपको पानी में मिलाने पर, भाई पानी है, कौन सा ऐसा नमक मिलाएंगे कि ये पूरा एसिडिक हो जाए, तो नॉन मेटल का कुछ ना कुछ होना चाहिए क्योंकि नॉन मेटल के जो कंपाउंड हैं वो एसिडिक होते हैं ज़्यादातर। अमोनिया यहाँ पे नॉन मेटल है बिकॉज नाइट्रोजन शामिल है उसमें, बी। ये यहाँ से एसिडिक देगा, बाकी सब के सब आपको क्या दे देंगे, बेस दे देंगे। ए से कंफ्यूज मत होइए, सल्फेट इधर है लेकिन सोडियम है, मेटल का कंपाउंड है, पक्का बेसिक होगा। 94 है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ बेसिक सॉल्यूशन, एक ऐसा नमक पानी में डाला ये पूरा बेस बन गया, बताइए कौन सा नमक है इसमें, तो ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट ए। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने आजमाया भी होगा, नमक और पानी का मिक्सचर नमकीन ही होता है, ना तो वो एसिडिक हो जाता है ना बेसिक। अगर मान लीजिए न्यूट्रल पूछा होता तो इस पे टिक कर देते। 95 है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से एक का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि पानी में किसी एक चीज को मिला दें आप चारों ऑप्शन में से, तो जो चीज बनेगी ना पानी के साथ मिक्सचर, वो चाइना रोज के इंडिकेटर को लाइट पिंक से, मतलब लाइट पिंक वो है, इसको ग्रीन बना देगी। तो भाई चाइना रोज जो इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर किसकी प्रेजेंस में देता है, बेस की प्रेजेंस में, ये याद रखिएगा। चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन कलर देता है बेस की प्रेजेंस में, तो बेस होना चाहिए बेकिंग सोडा NaHCO3, बी। बाकी सबके सब एसिडिक हैं। इनमें से कौन सा स्ट्रांग बेस है जिसका अल्टरनेट नाम एल्कलाई होता है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एल्कलाई, बी। व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन इज एडेड टू एन इंडिकेटर अ ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस्ड, अभी अभी देख चुके हैं कि बेस की प्रेजेंस में कौन सा इंडिकेटर ग्रीन देता है, तो ये है चाइना रोज, बी। 98 नंबर है कि कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जो एंटासिड की तरीके से यूज नहीं हो सकते, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज हो सकता है, जहां जहां बी दिखे काट दीजिए, तो बस एक ही तो बचा सी, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये नहीं होता, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, ये थोड़ी ना खाया जा सकता है, और डी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं खाया जा सकता है, भले ही बेस है लेकिन सारे बेस खाने लायक होते नहीं है। 98 का हो जाएगा सी। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, सी उदासीनीकरण।
उसके बाद इनमें से कौन कौन से डाइल्यूट सॉल्यूशन है जो पीने के लिए हानिकारक नहीं होते, पीने पर हानिकारक सिद्ध नहीं होते हैं, मतलब पिया जा सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पिया जा सकता है, मार्केट में डाइजीन नाम से आता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा खाया जा सकता है। ए एंड सी यानी कि सी।